नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता ये तालाब। एक तरफ जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर राष्ट्र से भ्रष्टाचार एवं काले कारनामों को जड़ से खत्म करने के लिए आए दिन समय समय पर तरह तरह के अभियान चलाकर राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में लगी है, तो वही दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव मुंडवाखेड़ा में स्थित तालाब आज भी मौके पर पड़ा बदहाल अवस्था में। गांव के ही ओम प्रकाश की पुत्रवधु सीमा देवी पत्नी उदय वीर सिंह ग्राम प्रधान की भ्रष्टाचारी एवं काले कारनामों की भेंट चढ़ता आ रहा है, जिसका स्पष्ट एवं जीता जागता उदाहरण ये तालाब है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए आवंटित हुए, लेकिन ग्राम प्रधान सीमा देवी द्वारा आधा अधूरा एवं सौंदर्यीकरण के नाम पर लीपापोती कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल नंबर 1905 पर ऑनलाइन दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक धरातल पर कहीं से कहीं भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकरण में कार्यवाही होती है या यूं ही प्रधान का खुलेआम भ्रष्टाचारी का खेल बरकरार रहेगा। वही जिले से दूसरी बार जसपुर पहुंचे जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी से मीडिया कर्मियों द्वारा जब इस मामले में जानकारी ली गई तो अधिकारी द्वारा ये कहकर कि यह प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है कहते हुए कार्यवाही की जगह अपना पल्ला झाड़ते नजर आए, जबकि इससे पूर्व में वह खुद इस प्रकरण में मौका मुआयना कर चुके हैं। आइए नीचे स्क्रीन पर दिखाई जा रही खबर में अधिकारी इनकार करते हुए अपने बयान करते नजर आ रहे हैं। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। जांच मैं कर नहीं रहा हूँ, बल्कि मुझे पता भी नहीं है। अभी आपने बताया तो मैंने सुना, मैं इसको देखता हूँ कि किस लेवल पर जांच कर रहे हैं, और तालाब का सौंदर्यीकरण वगैरह ये सब होगा तो मेरे ख्याल से मनरेगा से होगा, तो BDO साहब या DDO मैडम ये लोग देख रहे होंगे, तो मैं फिर भी उनसे पता करूँगा।